सम्राट विक्रमादित्य ने एक बार अपने राज ज्योतिषी से राजकुमार के भविष्य के बारे में जानना चाहा। राज ज्योतिषी ने दुखी स्वर में भविष्यवाणी की कि अपनी उम्र के 18वें वर्ष में पहुंचने पर राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आक्रोश में राज ज्योतिषी को कुछ कटुवचन भी कह डाले, लेकिन हुआ वही। ज्योतिषी के बताए गए दिन को एक जंगली सुअर ने राजकुमार को मार दिया। राजा और रानी यह समाचार सुनकर शोक में डूब गए। उन्हें राज ज्योतिषी के साथ किए अपने व्यवहार पर बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, राज ज्योतिषी, मैं हारा, आप जीते। इस घटना से राज ज्योतिषी भी बहुत दुखी थे। पीड़ा भरे शब्दों में उन्होंने कहा, महाराज, मैं नहीं जीता। यह तो ज्योतिष और खगोल विज्ञान की जीत है। इतना सुनकर राजा ज्योतिषी को बोले कि इस घटना से मुझे विश्वास हो गया है कि आपका विज्ञान बिल्कुल सच है। इस विषय में आपकी कुशलता के लिए मैं आपको मगध राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार वराह का चिन्ह प्रदान करता हूँ। उसी समय से ज्योतिषी मिहिर को वराह मिहिर के नाम से जाना जाने लगा। वराह मिहिर के बचपन का नाम मिहिर था। उन्हें ज्योतिष की शिक्षा अपने पिता से मिली। एक बार महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट कुसुमपुर में कार्य कर रहे थे। उनकी ख्याति सुनकर मिहिर भी उनसे मिलने आ पहुँचे। वे आर्यभट्ट से इतने प्रभावित हुए कि ज्योतिष और खगोल ज्ञान को ही उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। मिहिर अपनी शिक्षा पूरी करके उज्जैन आ गए, जो उस समय विद्या और संस्कृति का केंद्र था। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मिहिर को अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया और उन्हें राज ज्योतिषी घोषित कर दिया। वराह मिहिर वेदों के पूर्ण जानकार थे। वे हर चीज को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक था। वराह मिहिर ने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान और भूविज्ञान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर कर इन विषयों के चिंतन को एक नई दिशा दी। वराह मिहिर का कहना था, ज्योतिष विद्या एक अथाह सागर है और हर कोई इसे आसानी से पार नहीं कर सकता। मेरी पुस्तक एक सुरक्षित नाव है, जो इसे पढ़ेगा उसे यह पार ले जाएगी। उनका यह कथन कोरी शेखी नहीं है, बल्कि आज भी ज्योतिष के क्षेत्र में उनकी पुस्तक को ग्रंथरत्न समझा जाता है।